our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. हम सभी को कारगिल वार के बारे में पता है, हमारी सेना ने कैसे पाकिस्तान को कारगिल वार में हराया, ये कहानी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब भी कारगिल वार की बात आती है तो हम सबसे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे आदि के बारे में बात करते हैं। लेकिन कारगिल के उस हिस्टोरिक वार में कुछ ऐसे अनसुने अनजाने सिपाही थे जिनकी वजह से हम कारगिल वार को जीत पाए। उसी अनसुने अनजाने सिपाहियों में से एक थे लेफ्टिनेंट केसिंग क्लिफोर्ड नोंगरूम। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल इनफैक्ट मीडिया में। तो आज कारगिल विजय दिवस पर हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट केसिंग क्लिफोर्ड नोंगरूम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेघालय के शिलांग में लेफ्टिनेंट केसिंग नोंगरूम का जन्म 7 मार्च 1975 को हुआ था। उनके पिता केसिंग पीटर भारतीय स्टेट बैंक में काम करते थे, जबकि उनकी माँ बेली नोंगरूम एक हाउसवाइफ थी। बचपन से नोंगरूम ईमानदार और एक आज्ञाकारी छात्र थे। वो अपने बस्को टेक्निकल हाई स्कूल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे और साथ ही में वो संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। केसिंग खुद को फिट रखने के लिए डेली फुटबॉल खेलते थे ताकि वो आर्मी में भर्ती हो सके। सेंट एंथोनी कॉलेज से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आर्मी फोर्स से जुड़ने के लिए उनके जुनून ने उन्हें 1996 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 64 SSC कोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद नोंगरूम को जैक लाइट इन्फेंट्री के 12 बटालियन में नियुक्त किया गया। कारगिल युद्ध शुरू होने पर लेफ्टिनेंट केसिंग क्लिफोर्ड नोंगरूम सिर्फ 24 साल के थे और उनकी बटालियन बटालिक सेक्टर में तैनात थी। 30 जून 1999 की रात को लेफ्टिनेंट नोंगरूम की यूनिट को पॉइंट 4812 एक चोटी को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस चोटी की रणनीतिक स्थिति ने इसे आर्मी के जवानों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया था। इस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट केसिंग को पॉइंट 4812 के क्लिप फीचर पर हुए हमले को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन पर खड़ी चोटी पर चढ़ान लगभग असंभव था, लेकिन लेफ्टिनेंट नोंगरूम और उनके दृढ़ पलटनों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वे शीर्ष पर दुश्मनों के बंकरों तक पहुंचने के लिए तेजी से और चुपके से खड़ी ढलानों पर चढ़ गए। चरम पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने शिलाखंडों को तराश कर आपस में जुड़े बंकरों में खुद को जकड़ लिया था। उस बंकरों ने उनको तोपखाने की आग से भी बचाया करते थे। नतीजतन अपनी चढ़ाई पूरी करने पर लेफ्टिनेंट नोंगरूम और उनके बटालियन को भारी मोर्टार और स्वचालित मशीन गन फायर के रूप में दुश्मनों के मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा। भारी और लगातार गोलीबारी से लगभग 2 घंटे तक नीचे गिराए गए। लेफ्टिनेंट नोंगरूम ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसमें उनकी पलटन के लिए द्वार बदल जाएगा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी उपेक्षा करते हुए उन्होंने फायर जोन के माध्यम से दुश्मनों के बंकरों पर फायरिंग और ग्रेनेड दागे। उसके हाथ गोले ने बंकरों में छिपे दुश्मनों के 6 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन उन्हें फेंकते समय लेफ्टिनेंट नोंगरूम को कई गोलियाँ लगी। एक सर्वोच्च बलिदान में उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया और बचाए जाने से इनकार कर दिया। वह तब तक बहादुरी से लड़ते रहे जबकि युद्ध क्षेत्र में उनकी जान नहीं चली गई। और इसी तरह उनकी बलिदानों की वजह से उस दिन उनकी पलटनों ने 4812 पर कब्जा कर लिया था, जिसे आर्मी को कारगिल वार को जीतने में बहुत मदद मिली। तो ये था कारगिल विजय दिवस पर इनफैक्ट मीडिया स्पेशल लेफ्टिनेंट केसिंग नोंगरूम की कहानी। हमारे देश के जवानों की वजह से ही आज हम सब रात को आराम से चैन से सो पाते हैं। इनके इस बलिदानों को हम दिल से सलाम करते हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इनफैक्ट मीडिया। अगर आपके पास भी कोई कहानी, कोई स्टोरी या कुछ भी शेयर करने जैसी चीज़ है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट मीडिया आपकी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।